मुश्किलात में इजाफा, मंसूर झील में पानी की सतह कम ना हुई, रेलवे से 7 में पुल को नुकसान, इंडस हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए, आबी दबाव से 0 पॉइंट पर बंद भी टूट गया, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद बह गए, 7 एयरपोर्ट डूब गया, यूनियन काउंसिल वाहड़ के मकीन दरबदर हो गए, झील की सतह कम करने के लिए मजीद 2 कट लगा दिए गए, मुतासा देहात की तादाद 150 तक पहुंच गई। घर बचा ना कारोबार, फसलें रहीं ना रास्ते, सिंध के कोने कोने में तबाही, शहीद बेनजीराबाद के इलाके झांगड़ा में हर तरफ पानी, सैकड़ों गोट जमीन से कट गए, सैलाबी रैले ने खैरपुर नाथन शाह का हुलिया बिगाड़ दिया, पूरा शहर डैम में तब्दील, दही इलाकों में पानी की सतह 40 फीट तक पहुंच गई, गांव खुश हलानी गोजो करीमदाद समेत कई इलाकों में दर्जनों खानदान सैलाबी पानी में महसूर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान में सैलाब जदगान के इलाकों का दौरा, आर्मी चीफ ने जाफराबाद में कायम आर्मी फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, जनरल कमर जावेद बाजवा को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। सैलाब से आधा मुल्क पानी पानी, लेकिन इमरान खान जलसों में मशगूल, पिशावर में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में इमरान खान ने सवाल किया कि क्या ये दोनों आर्मी चीफ का इंतखाब कर सकते हैं, क्या हम इतने अहम ओहदे इन दोनों के हाथ में दे सकते हैं, फिर खुद ही जवाब दिया कि हम इतने अहम ओहदे का इंतखाब इन दोनों के हाथों में नहीं देंगे। मरियम नवाज की इमरान खान पर सख्त तनकीद, कहती हैं इमरान खान का पाकिस्तान से मुतल्लिक मौकिफ मशरूत है, मौकिफ है फौज गैर जानिबदार रहे तो उसे कीचड़ में घसीटेंगे, जराइम को कानूनी करार ना दिया तो अदालतों के साथ बुरा करूंगा, गैर मुल्की फंडिंग बेनकाब की तो इलेक्शन कमीशन पर हमला होगा, इस लानत से निमटना होगा। पिशावर में पीटीआई जलसे में सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल, पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्रेन को पीटीआई के झंडे लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वीडियो सामने आने पर इलेक्शन कमीशन ने पीडीए को नोटिस जारी कर दिया, डायरेक्टर जनरल पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी आज तलब। तहरीक इंसाफ की इस्तीफों की मरहला वार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद, कासिम सूरी का 123 सरकार के इस्तीफों की मंजूरी का ऑर्डर गैर कानूनी करार, इस्तीफा देने वाला हर रुकन स्पीकर के सामने आकर तस्दीक करे, सोच बदलनी होगी, पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए, अदालत स्पीकर को अहकाम जारी नहीं करेगी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने का केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया, तफ्तीशी अफसर ने अगर नोटिस भेजा है तो इमरान खान पेश हों, कोई भी कानून से बालातर नहीं, तफ्तीशी अफसर के साथ तआवुन नहीं किया जाता तो अदालत को बताया जाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क, पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चालान जमा कराने से रोक दिया। तारीख पे तारीख, हर समात पे तारीख, पीटीआई ने फिर ममनुआ फंडिंग केस में शो कॉज नोटिस का जवाब ना दिया, हमें कुछ मालूमात फॉरेन चैप्टर से मौसूल होनी है, मोहलत दी जाए, पीटीआई के वकील की इस्तदा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी, समात 19 सितंबर तक होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरब ममालिक से मिलने वाले तहायफ तो शखाना में जमा करा दिए, शहबाज शरीफ ने 35 करोड़ मालियत के तहायफ तो शखाना में जमा कराए, तहायफ में कीमती घड़ी, मैचिंग कलम, अंगूठी और दीगर अशिया शामिल हैं।